बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इफ़ कंडीशन वाली एक सिंपल एक नॉर्मल सा फार्मूला पढ़ा था। आज ग्रेड के बारे में देखते हैं, पढ़ते हुए नहीं। मैं उसी शीट को वापस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू यहाँ पे कॉलम में ग्रेड लिख लेता हूँ। ग्रेड मैंने ये देनी है कि मेरे पास पेपर कितने यहाँ पे थीम पेपर है। मैं ग्रेड ए असाइन कर देता हूँ, ग्रेड बी असाइन कर देता हूँ, ग्रेड सी असाइन कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं देता। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे जनरल ग्रेड ए हुआ, बी सी देन डी। डी के बाद वो बंदा पास होगा या तो फेल होगा। अब कंडीशन पहले से मैं अभी डिफाइन कर लेता हूँ। टोटल मार्क्स कितने हैं? 300 है। 300 से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, अगर किसी बंदे ने 270 मार्क्स लिए, इसके बराबर या इससे ज़्यादा, तो वो ए ग्रेड में आ जाए। अगर किसी बंदे ने, ठीक है, 230 से इज इक्वल टू या उसके बराबर या उससे अबव या उससे ऊपर मार्क्स लिए हो, तो बी ग्रेड में आ जाए। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे 190 के बराबर हो या उससे ऊपर वाले मार्क्स हो, तो उसकी सी ग्रेड आ जाए। अगर एक बंदे ने यहाँ पे 161 से ऊपर मार्क्स ली हो या 165 के बराबर हो या उससे ऊपर मार्क्स हो, तो डी ग्रेड में आ जाए। अगर किसी बंदे के 150 मार्क्स हो या उससे अब हो, तो बंदा यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, रेदर देन वो बंदा यहाँ पे फेल होना चाहिए। ठीक, वो बंदा यहाँ पे हमारे पास फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेस देन लिख देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं इस फार्मूले के ऊपर ग्रेड की। पहले मैं सीरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेम बॉर्डर दे देता हूँ, इन्हें भी सिलेक्ट करके मर्ज कर इसके साथ। यहाँ पे ग्रेड वाली फार्मूला पोजीशन वही देनी है। मेरे पास यहाँ सबको सेंटर में दिया है। मेरे पास टोटल मास वाली जो एड्रेस है वो क्या है? E4। फार्मूला में मैंने हर दफ़ा यहाँ पे इसे असाइन करना है, इसकी भी नहीं जिक्र करनी E4 की, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं ये एसेट भी ले आता हूँ। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ लिख ले तो मैं यहाँ पे से पैरेंथेसिस स्टार्ट, E4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, चेक याद है, 270। अगर 270 के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स हो, कॉमा, तो बंदा क्या होना चाहिए मेरे पास? ए ग्रेड होना चाहिए, कॉमा। अब सेकंड चेक लगाते हैं, सेकंड इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट, क्या होगा मेरे पास? अगर E4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 230 के कॉमा, तो बंदा बी ग्रेड में आना चाहिए। सही, कॉमा लगाते हैं। अब थर्ड कंडीशन, इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट E4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने के? 190 के, तो इसको यहाँ पे कॉमा एनोटेड कॉमास में वो बंदा सी ग्रेड में आना चाहिए, कॉमा, फिर ये कंडीशन चेंज कर, इफ फोर्थ कंडीशन पैरेंथेसिस स्टार्ट, इस स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हो, E4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके यहाँ पे? 165 के, तो ये बंदा कॉमा एनोटेड कॉमास में डी ग्रेड होना चाहिए, कॉमा कर ले, फिर इफ लास्ट चेक लगाते, लास्ट इफ कंडीशन देते हैं इन्हें, इफ़ E4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 150 के, फर्स्ट कंडीशन ये कि ये बंदा मेरे पास पास होना चाहिए, सेकंड रेदर देन ये बंदा मेरे पास फेल होना चाहिए। कितने पैरेंथेसिस में ओपन किए? 1, 2, 3, 4, 5। अरे क्या अलग अलग कलर है नहीं, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कर देता हूँ, इंटर करें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखे ना, मैं स्क्रॉल यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट की तरफ। अब मेरे पास सी ग्रेड, जैसे ने यहाँ से ड्रैग कर ले, अभी उनको पता चलेगा कि यहाँ पे सी ग्रेड मोहम्मद यासिर, वहाँ तारिक यहाँ पे बी ग्रेड, नसीबुल्ला सी ग्रेड, और यहाँ पे भी ब्राह्मण ए ग्रेड, फिरोजन बी ग्रेड, अजीज़ रहमान सी ग्रेड। ठीक है, सी ग्रेड वाले थोड़े से जुल्म हुए उनके साथ, सही। तो यहाँ पे इसे भी मेहनत करिए, 87 मार्क्स ले लिए, और यहाँ पे इसने 82 मार्क्स ले लिए, फिर भी बी ग्रेड में नहीं आ रहा है। नसीबुल्ला ने यहाँ पे क्या की, 70 मार्क्स, ये यहाँ पे 80 मार्क्स ले लिए, यहाँ पे 90, फिर भी बी ग्रेड में आ रहा है। अजीज़ रहमान ने यहाँ पे 90 मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे 92 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 91 मार्क्स लिए। ये बंदा फर्स्ट ए ग्रेड में है, बाकी वरदान अंजला, ठीक है, वरदान अंजला में से मैं अंजला को यहाँ पे 65 मार्क्स दे देता हूँ, और इसको 68, इसको 91 सी ग्रेड में, ठीक है। वरदान को मैं यहाँ पे 59, 69, देन 79, ये भी सी ग्रेड में आ गया मेरे पास। तो इसे कहते हैं यहाँ पे ग्रेड फार्मूला, ये आज हम लोगों ने ग्रेड फार्मूला यहाँ पे पढ़ ली। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।